हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हीरो की BSX इंजन वाली USB पोर्ट के साथ पैशन प्रो स्पेशल एडिशन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड किए गए हैं, प्राइसिंग क्या रहने वाली है एंड कितना माइलेज आपको इसमें देखने को मिलता है। आप अगर पैशन प्रो लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम फ्रंट से शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके की यहाँ विंडशील्ड पे आपको जो है हीरो की पैचिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ग्लॉसी लुक में रहने वाली है। एंड यहाँ आपको नीचे 35 वाट की जो है हेलोजन बल्ब हेडलाइट देखने को इसमें आपको देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके की इसमें लो बीम हाई बीम दोनों इसमें रहने वाली है। ग्लॉसी लुक में यहाँ पर आपको जो है वाइजर येलो कलर का देखने को इसमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी इसको अट्रैक्टिव देखने में बनाता है। एंड यहाँ पर आपको फुल्ली फ्लेक्सीबल आपको जो है इंडिकेटर इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड हम अगर बात करें इसके फ्रंट सस्पेंशन की, तो कुछ इस तरीके की इसमें आपको जो है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी राइड को काफी हद तक स्मूथ बनाएंगे। ब्रेकर्स वगैरह में जो है काफी हद तक ये काम आने वाले हैं। 18 इंचेस का ब्लैक अलॉय इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जो है 100x80 सेगमेंट का ट्यूबलेस टायर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसमें आपको जो है ग्लॉसी लुक के साथ इसमें डुअल टोन में यहाँ पर आपको जो है मडगार्ड इसमें देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर ग्लॉसी येलो एंड यहाँ पर आपको जो है ब्लैक कलर के कुछ इस तरीके की डिजाइन के साथ मडगार्ड आपको इसमें देखने को मिलता है। सस्पेंशन के नीचे यहाँ पर आपको जो रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। एंड इसमें आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, तो इसमें ड्रम ब्रेक इसमें दोनों साइड आपको देखने को मिलते हैं, जो कि कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम इसमें रहने वाला है। कॉम्बो ब्रेक से ये मतलब है कि आप अगर पीछे का ब्रेक लगाते हैं तो आगे का भी आपका कुछ परसेंट ब्रेक इसमें लगता है। एंड अगर हम बात करें इसके मीटर की, तो इसमें आपको डिजिटल एंड एनालॉग दोनों ही मीटर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आपने मीटर ट्रिप को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे मेन इसमें आपको जो USB पोर्ट की सुविधा देखने को मिल जाती है, जिसे अपना फोन, पावर बैंक एंड अदर गैजेट्स आप यहां पर चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग की कोई टेंशन ही अब नहीं रहने वाली है, कहीं जाना हो तो आप यहां पर लगा करके साथ में जा सकते हैं। एंड यहां कुछ इस तरीके की आपको जो है हीरो की पैचिंग देखने को मिल जाती है। लेफ्ट स्विच की अगर हम बात करें, तो इसमें यहां पर पास बटन, लो बीम हाई बीम, लेफ्ट टर्न इंडिकेटर एंड सिंगल हॉर्न का इसमें स्विच देखने को मिल जाता है। एंड राइट साइड आपको जो है पावर सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाता है। एंड यहां से अपना मिरर वगैरह आप इनमें एडजस्ट करवा सकते हैं, कंपनी से ही आपको फिटेड मिलते हैं, इसमें नहीं लगे हुए हैं। एंड अगर हम इसके टैंक की बात करें, तो इसमें डुअल टोन के साथ इसमें आपको जो है 10 लीटर का मस्कुलर टैंक देखने को मिल जाता है। इतनी महंगाई और अप्रॉक्स 60 किलोमीटर के एवरेज के साथ ये आप काफी जो है इसमें बड़ा आपको टैंक देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको जो है पैशन की पैचिंग देखने को मिल जाती है कुछ तरीके की। एंड नीचे यहाँ कुछ तरीके की प्रो की ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है, जो इसको काफी प्रीमियम लुक देती है। एंड आपको कुछ इस तरीके का व्यू आपको इसमें देखने को मिल जाता है जब आप इसको राइड करेंगे। एंड यहाँ नीचे बॉडी पैनल पे आपको देख सकते हैं जिस तरीके की i3S से यहाँ आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। एंड इसके सीट कवर पे कुछ तरीके की हीरो से यहाँ पर आपको बैचिंग देखने को मिल जाती है। इसका ब्लैक ग्लॉसी सीट कवर रहने वाला है यहाँ पर। एंड इसके बैटरी पैनल पे आपको जो FI की पैचिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड अगर इसके इंजन की बात की जाए, तो इसमें आपको जो है 113.2 cc का एयर कूल्ड BS6 FI इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। इसकी मैक्सिमम पावर 9.13 PS एट 7500 RPM रहने वाली है। एंड मैक्सिमम टॉर्क इसका 9.79 Nm एट 500 RPM रहने वाला है। ये इंजन आपको 4 सेकंड में 40 की स्पीड देता है। 5-speed मैनुअल गियर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। साइड स्टैंड विद कट ऑफ सेंसर इसमें मिलता है, आपको याद रखिएगा। आपका साइड स्टैंड अगर लगा होगा तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होने वाला है, ये स्टार्ट तभी होगा जब स्टैंड लगी होगी। डबल स्टैंड भी आपको कंपनी ऑफर करती है। कुछ इस तरीके के इसमें आपको जो है फोल्डेबल रबर कोटेड फुटर्स देखने को मिल जाते हैं। पीछे भी आपका कुछ इस तरीके का इसमें रहने वाला है। एंड ब्लैक कलर का आपको इस कुछ ग्लॉसी इस तरीके का यहाँ पर आपको जो चैन कवर देखने को मिल जाता है। यहाँ से अपनी चैन की ऑयलिंग वगैरह करा सकते हैं आप। रेयर में आपको जो है रेड कलर के ट्विन शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। साड़ी गार्ड ब्लैक कलर का आपको जो कंपनी से ही फिटेड देखने को इसमें मिल जाता है। यहाँ से अपनी सीट वगैरह ओपन कर सकते हैं। एंड फुल्ली फ्लेक्सिबल आपको जो है हेलोजन इंडिकेटर पीछे देखने को मिल जाते हैं। इसमें कुछ इस तरीके का ग्लॉसी ब्लैक कलर का इसमें आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। इसके नीचे यहाँ हीरो की पैचिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसकी टेल कुछ इस तरीके की आपको जो है ट्रांसपेरेंट रहने वाली है। यहाँ पर इसमें भी जो है पीछे आपका हेलोजन बल्ब यूज किया गया है। यहाँ रिफ्लेक्टर एंड यहाँ नीचे आपकी जो है नंबर प्लेट रहने वाली है।
रेयर में आपको ब्लैक ग्लॉसी अलॉय व्हील के साथ यहाँ पर आपको जो है 80x100 सेगमेंट का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। ड्रम ब्रेक पीछे आपका यूज किया गया है विद द कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम एंड कुछ इस तरीके का प्यारा सा आपको इसमें एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको जो है ब्लैक कलर की ग्लॉसी में यहाँ पर आपको जो है हीट प्रोटेक्टिंग लेयर यहाँ कुछ डिजाइन के साथ मिलती है एंड इसमें आपको रबर कोटेड फुटरेज के साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके का ब्रेक पैड आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो है किक स्टार्ट का फीचर देखने को मिलता है, साथ साथ ही इसमें आपको पावर स्टार्ट का भी फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। दोनों ही फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं एंड यहाँ पर आपका जो है स्पार्क प्लग एंड सेंसर्स वगैरह इसमें रहने वाले हैं यहाँ पर एंड यहाँ कुछ इस तरीके का आपको जो है BS6 का कैथलेटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर यहाँ पर आपकी कैथलेटिक प्लेट इसमें रहने वाली है। डुअल टोन इसमें बॉडी कलर यूज किए गए हैं, येलो सिल्वर एंड ब्लैक के साथ ही काफी ग्लॉसी लुक देती है। इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो लखनऊ में करीबी आपको जो है 73,808 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस के साथ आपको मिल जाती है। आपका अगर ये बाइक लेने का मूड है तो बेझिझक आप ये बाइक ले सकते हैं। आप अगर लखनऊ में बुद्धेश्वर के आसपास के हैं तो आप हमारे शोरूम तक आकर टेस्ट राइड ले सकते हैं एंड हीरो की कोई भी बाइक या स्कूटी आप वहां से परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आप तक अच्छी खासी जानकारी मैंने पहुंचा दी हो। बाकी आपको अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है कौन सी बाइक लेनी है तो मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियोस पड़ी हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।